नागरिकता कानून पर सरकार के खिलाफ बटा विपक्ष, कांग्रेस की बैठक में 6 दल नहीं पहुंचे, न ममता मायावती, न उद्धव ठाकरे, अखिलेश और केजरीवाल भी नदारद। कांग्रेस के साथ बैठे विपक्षी दलों का नागरिकता कानून पर विरोध जारी रखने का ऐलान, 23 से 30 जनवरी तक पूरे देश में मनाएंगे संविधान बचाओ दिवस। नागरिकता कानून पर बोली सोनिया गांधी, नफरत फैला रही है केंद्र सरकार, लोगों को बांटने की कर रही है कोशिश। राहुल गांधी का पीएम मोदी को चैलेंज, कहा देश का ताना बाना ना तोड़े हिम्मत है तो यूनिवर्सिटी के छात्रों के सवालों के जवाब। कांग्रेस पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का पलटवार, का पाकिस्तान को खुश करने के लिए है कांग्रेस का सीए विरोध, सोनिया राहुल को बधाई। विपक्ष की बैठक पर कानून मंत्री का निशाना, कहा 6 पार्टियां पहुंची ही नहीं, कांग्रेस के साथ कोई नहीं, देश को बरगलाना बंद कर। विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, देश में एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं, एनआरसी सिर्फ असम के मामले में है, कोई अगर चर्चा करनी है तो नागरिकता कानून पर करें। सीए एनआरसी पर पार्लियामेंट एनेक्सी में विपक्षी दलों की बैठक, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद, कैबिनेट विस्तार पर सोनिया गांधी से अलग से होगी मुलाकात। जेएनयू हिंसा में आयशी घोष समेत 9 आरोपियों से पूछताछ, व्हाट्सएप चैट पर पहचाने गए 37 छात्रों से अगले हफ्ते होगी पूछताछ। जेएनयू हिंसा में नकाबपोश लड़की की पहचान, दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज की छात्रा है एक और लड़की, कोमल शर्मा का फोन बंद। जामिया में आज फिर छात्रों का प्रदर्शन, वाइस चांसलर का आरोप, बिना इजाजत कैंपस में घुसी थी दिल्ली पुलिस, अदालत में घेरे। दिल्ली में शाहीन बाग के धरने के खिलाफ कल हाईकोर्ट की सुनवाई, सड़क बंद होने से महीने भर से लग रहा है जाम, दाखिल की है पीआई। विधानसभा के मेन गेट पर विपक्ष ने एनआरसी सीए के विरोध में प्रदर्शन किया, आवाम दलों ने भी सीए हटाने की मांग की, जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने की भी मांग की। सीएए पर लगातार बवाल होता देख अब बीजेपी कार्यकर्ता खुद लोगों के बीच जाकर कानून के बारे में जानकारी दे रहे हैं, लोहरदगा में भी बीजेपी कार्यकर्ता घर घर पहुंच रहे हैं। राजधानी रांची में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने मानव श्रृंखला बनाकर नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन किया। दिल्ली में नागरिकता कानून के विरोध करने वाले 94 लोगों को 1 महीने में किया गया गिरफ्तार, सीसीटीवी और वीडियो देखकर हुई पहचान। देश भर के 200 से ज्यादा विश्वविद्यालयों के शिक्षक और कुलपतियों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर यह आरोप लगाया कि लेफ्ट विंग के कार्यकर्ताओं ने देश भर के शिक्षण संस्थानों में माहौल को खराब किया। इस मामले में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि विश्वविद्यालय में वीसी अपनी अराजकता को छिपाने के लिए पत्र लिख रहे हैं और अपनी नाकामी को छिपाने के लिए छात्र पर आरोप मढ़ रहे हैं। जातीय जनगणना के पक्ष में बिहार सरकार, सदन में सीएम नीतीश का बयान, तेजस्वी यादव ने सरकार से की विशेष सत्र बुलाने की मांग। बिहार विधानसभा में 126वें संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी, एससी एसटी आरक्षण की अवधि बढ़ाने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने दिखाई एकजुटता। पूर्व सांसद पप्पू यादव का देश और प्रदेश पर विवादित टिप्पणी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भद्दा कमेंट किया। जेपी नड्डा 20 जनवरी को बन सकते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 19 जनवरी को जमा कर सकते हैं पद के लिए नामांकन। दिल्ली चुनाव को लेकर अमित शाह के घर 7 घंटे चली बैठक, बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा, प्रकाश जावड़ेकर, मनोज तिवारी, विजय गोयल रहे मौजूद। दिल्ली के बदरपुर से पूर्व विधायक राम सिंह, पूर्व कांग्रेस नेता महाबल मिश्रा के बेटे विनय मिश्रा, जय भगवान और दीपू चौधरी आम आदमी पार्टी में शामिल, दिल्ली में हुआ खास कार्यक्रम। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल को भेजा 500 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस, आम आदमी पार्टी के थीम सॉन्ग को लेकर भेजा नोटिस, थीम सॉन्ग में मनोज तिवारी के वीडियो का इस्तेमाल किया गया। कर्नाटक में जीसस की 114 फीट ऊंची मूर्ति का विवाद गहरा गया है, बीजेपी आरएसएस का कनकपुरा चलो का नारा, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। निर्भया के दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में कल दोपहर सुनवाई, 2 ने लगाई थी याचिका, 22 जनवरी को सुबह 7 बजे दी जानी है 4 को फांसी। पटना के पत्रकार नगर इलाके में 5 अपराधियों ने सड़क पर तांडव मचाया, सरेआम एक गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की और 6 लाख रुपए लूट लिए, गोलियों की गूंज से सचिवालय कॉलोनी का पूरा इलाका थर्रा उठा। वैशाली में नगर थाने में नाका नंबर 3 के पास कोरियर कंपनी के ऑफिस में 17 लाख की हुई लूट, 7 बाइक में सवार थे 14 लुटेरे, कोरियर कंपनी में लगे सीसीटीवी कैमरा और हार्ड डिस्क को भी क्षतिग्रस्त किया गया।
वैशाली में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात, चार बदमाशों ने 3 लाख रुपए लूट लिए। कर्मचारी को बाथरूम में बंद कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। गांधी सेतु रोड पर साई पेट्रोल पंप पर लूट। मोतिहारी में भी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। रामगढ़ के थोक गल्ला कारोबारी के स्टाफ से सरेआम 8 लाख रुपए लूटे गए। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। समस्तीपुर में एक कारोबारी के घर में हथियारों से लैस, डकैतों ने धावा बोल दिया। घर की बुजुर्ग महिला को बनाया बंधक, लेकिन कारोबारी के बेटे की हिम्मत की वजह से डकैत भाग गए। मोतिहारी में जमीन विवाद में 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट, हमले में 10 से ज्यादा लोग हुए घायल, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पटना में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने एक LIC एजेंट यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। बाईपास थाना क्षेत्र के मर्ची गांव की घटना, अक्टूबर में दबंगों ने मृतक के भतीजे की हत्या की थी। सीवान में पूर्व पैक्स अध्यक्ष श्यामानंद यादव को अपराधियों ने गोली मार दी। घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हथौड़ा पुल के पास की है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी। बक्सर के मुरार थाना क्षेत्र में पुलिस के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मौके से खदेड़ा। पुलिस पर गरीबों को परेशान करने का लगाया आरोप। सीवान में मोबाइल लूट के इरादे से युवक को गोली मारी गई। वारदात के वक्त ट्रेन पकड़ने जा रहा था युवक। नगर थाना के सदर अस्पताल के पास वारदात। दरभंगा में सर्राफा कारोबारी लापता, 7 दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। गुस्साए कारोबारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। लोहरदगा में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, आरोपी की पहचान में जुटी पुलिस। बर्मन पेट्रोल पंप की घटना, फिलहाल आरोपी की पहचान करने में सदर थाना पुलिस जुट गई। पटना सिटी में कल दवा व्यवसायी की हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में आज दवा की होलसेल मंडी को दवा कारोबारियों ने 1 दिन के लिए बंद कर दिया और प्रशासन से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। मोतिहारी के सदर हॉस्पिटल में डॉक्टरों की मनमानी और लापरवाही से एक मरीज की मौत हो गई। मरीज इलाज के लिए इमरजेंसी वार्ड में छटपटाता रहा, लेकिन एक भी डॉक्टर हॉस्पिटल में मौजूद नहीं था। सुपौल में मासूम का शव सदर बाजार के वार्ड नंबर 4 में डिग्री कॉलेज के पास एक कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। औरंगाबाद में मछली कारोबारी के साथ हुए लूट मामले में 4 दिनों बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई, जिससे गुस्साए कारोबारियों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोला। बेगूसराय के बछवाड़ा रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर आउटर सिग्नल पर ट्रेन से गिरकर युवक की मौत हो गई। बछवाड़ा जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। बीहटा खगौल मुख्य मार्ग के बीहटा एयरफोर्स स्टेशन के पास बेकाबू ट्रक ने मासूम को रौंदा। घटनास्थल पर हुई मौत, गुस्साए परिजनों ने की आगजनी और रोड जाम। वैशाली में हार्डवेयर व्यवसायी पर अपराधियों ने की फायरिंग, लूट की घटना को अंजाम देने पहुंचे थे अपराधी। नगर थाना क्षेत्र के नखास चौक के नजदीक की घटना। आरा जेल में रणवीर सेना के कमांडर प्रमोद सिंह की संदेहास्पद मौत हो गई। 90 के दशक के भोजपुर जिले के कमांडर प्रमोद सिंह की मौत की खबर सुनते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। खगड़िया में किसान की सोते समय अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। मामला मोरकाही थाने के बलौर गांव का है। अरवल में सड़क पर रफ्तार का कहर, NH 139 पर ट्रक और बोलेरो की भीषण टक्कर से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 7 लोग घायल हो गए। जहानाबाद में शरारती तत्वों ने मुर्गी फार्म में लगाई आग। हादसे में लगभग 900 मुर्गियां और 8 बकरियां झुलस गई। घटना भेलावर ओपी क्षेत्र के जमालपुर गांव की। बेगूसराय पुलिस ने केंद्रीय चयन परिषद बोर्ड पटना के निर्देश पर सिपाही भर्ती में ठगी करने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया। अब तक कई लोगों को बना चुका है अपना शिकार। शेखपुरा जिले के मिशन ओपी थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 वाहनों में रखे 29 कार्टन विदेशी शराब के साथ 4 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया, साथ ही 2 वाहनों को जब्त किया। गिरिडीह में पथराव के बाद धारा 144 लागू, छापेमारी में हथियारों का जखीरा जब्त, पूरा शहर छावनी में तब्दील। रांची के शालीमार बाजार में महिला की हत्या, गला रेत कर उतारा मौत के घाट, तफ्तीश में जुटी पुलिस। रांची में तेज रफ्तार कार और बाइक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। अनियंत्रित कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। जमशेदपुर के हरिजन बस्ती के घर पर कुछ लोगों ने रविवार रात हमला कर दिया। घर के लोगों से मारपीट भी की गई और महिलाओं के साथ बदतमीजी भी की गई। धनबाद में रांची में पदस्थापित IG के घर चोरी, घर का ताला तोड़कर वारदात को दिया अंजाम। घर में रखी नकदी और सामान लेकर चोर फरार हो गए। भागलपुर में इशाकचक थाना क्षेत्र में एक झोपड़ी से 732 बोतल अवैध कफ सिरप बरामद, वहीं मौके से पुलिस ने एक युवक को भी गिरफ्तार किया।
कश्मीर के बड़गांव में एक और आतंकी का खात्मा, मकान में छिपे दूसरे आतंकी से अब भी जारी है मुठभेड़, सेना पुलिस और सीआरपीएफ का ऑपरेशन। कश्मीर में आतंकियों से डीएसपी के कनेक्शन की एनआईए करेगी जांच, सूत्रों के मुताबिक आतंकियों को दिल्ली पहुंचाने की डील हुई थी, अफजल गुरु से कनेक्शन की भी जांच जारी। नवंबर की तुलना में दिसंबर से बढ़ी खुदरा महंगाई की दर, 5.54% से 7.35%। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल पहुंचेंगे गया, गांधी मैदान में करेंगे सभा को संबोधित, डिप्टी सीएम सुशील मोदी समेत कई वरीय नेता रहेंगे मौजूद, सीएए को लेकर करेंगे लोगों को जागरूक। बक्सर में तबादले के बाद एक थानेदार की अनोखी विदाई हुई, विदाई समारोह में सैकड़ों की संख्या में जनता शामिल हुई और उन्हें नम आंखों से विदाई दी, मामला नवानगर थाना क्षेत्र का। जल्द ही कोसी और मिथिलांचल की पटरियों पर ट्रेन दौड़ने लगेगी, 85 साल बाद रेल विभाग की ओर से काम शुरू हो चुका है। बक्सर में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर मजिस्ट्रेट चेकिंग के साथ आरपीएफ ने भी चलाया विशेष अभियान, ट्रेन में चेन पुलिंग और बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों पर दर्ज होगा मामला। समस्तीपुर में जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, बाल विवाह और दहेज उन्मूलन के समर्थन में 19 जनवरी को मानव श्रृंखला, जिला प्रशासन भी तैयार। पटना में 19 जनवरी को मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने का काम जारी, छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक का आयोजन। औरंगाबाद में बगैर हेलमेट पहने बाइक चालकों से जुर्माने की वसूली नहीं की गई, बल्कि उन्हें गुलाब का फूल भेंट कर जुर्माने के पैसों से हेलमेट खरीद लेने की सलाह दी। सहरसा में कृषि विभाग की ओर से कृषि यांत्रिकरण मेले का आयोजन किया गया, मेले का उद्घाटन डीएम और कृषि पदाधिकारी ने किया, मेले में खेती से जुड़े कई उपकरणों के स्टॉल्स लगाए गए। 31वें सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर सहरसा जिला परिवहन विभाग की ओर से स्थानीय कला भवन में मुफ्त नेत्र जांच शिविर का आयोजन, 11 से 17 जनवरी तक अब आयोजन चलेगा। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, हिमाचल प्रदेश में 16 जनवरी तक भारी बर्फबारी का अलर्ट, तो मैदानी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। कड़ाके की ठंड में सैलानी ले रहे हैं अलग अलग तरीके से मजा, मनाली में बर्फ से बने घर इग्लू हाउस में रहने का उठा रहे अनोखा अनुभव। मुंगेर में ठंड का सितम लगातार जारी, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि दिन का अधिकतम तापमान 15 डिग्री दर्ज किया गया। मोतिहारी में भी ठंड से ठिठुरन बढ़ती जा रही है, तापमान 6 डिग्री तक पहुंच गया है, सर्दी की वजह से प्रशासन ने स्कूल कॉलेज समेत कोचिंग संस्थानों को भी 2 दिनों के लिए बंद कर दिया। रांची के मारवाड़ी भवन में मारवाड़ी सम्मेलन के लिए ओम प्रकाश अग्रवाल को चुना गया अध्यक्ष, उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी बसंत मित्तल को 332 मतों से हरा दिया। रांची में जन सेवक संघ ने अपनी मांगों को लेकर बैठक बुलाई, सदस्यों ने सीएम हेमंत सोरेन से जन सेवकों को गैर कृषि कार्य से मुक्त कर कृषि कार्य कराने की मांग की और ग्रेड पे में बढ़ोतरी की मांग की। रांची अंडर 19 हॉकी प्रतियोगिता का प्री क्वार्टर फाइनल, दिल्ली ने हिमाचल प्रदेश को 3-0 से और जम्मू कश्मीर ने 6-0 से उड़ीसा को हराया। टूसू पर्व को लेकर रांची के मोराबादी में लोगों की भीड़ उमड़ी है, मोराबादी मैदान में पर्व को लेकर अलग अलग तरह के चोरल भी बनाए गए हैं। टूसू पर्व झारखंड के आदिवासी समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। साहेबगंज के मंडरों में सोहराय पर्व का आयोजन किया गया, बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम आयोजन में शामिल हुए, उन्होंने जमकर नाच गाने का आनंद लिया। पंजाब समेत देश के कई हिस्सों में लोहड़ी की धूम, आसमान में दिखा पतंगों का रंग। मकर संक्रांति को लेकर रामगढ़ के बाजार में तिलकुट की खुशबू घुल चुकी है, शहर के विभिन्न इलाकों में लाई चूड़ा तिलकुट गट्टा आदि का बाजार गुलजार है। देवघर में मकर संक्रांति को लेकर बाजारों में चहल पहल देखी जा रही है, देवघर बाबा बैद्यनाथ की नगरी होने के कारण यहां मकर संक्रांति धूमधाम से मनाई जाती है। गुजरात में मकर संक्रांति पर चलेगा करुणा अभियान, चाइनीज मांझे से घायल पक्षियों के इलाज के लिए बनाए गए 1962 ट्रीटमेंट सेंटर। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जोरों पर, दिल्ली कैंट में फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एयर इंडिया मैनेजमेंट में विदेशी कंपनी को नहीं मिलेगी 49% से ज्यादा हिस्सेदारी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सब्सटेंशियल ओनरशिप एंड इफेक्टिव कंट्रोल क्लॉज में ढील देने का प्रस्ताव खारिज किया। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के जरिए दूसरे बैंक से एटीएम से भी अपने बैंक में पैसे जमा करने की मिलेगी सुविधा, फिलहाल किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे निकाले जा सकते हैं।
जेएनयू जाकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ खड़े होने पर दीपिका पादुकोण के विज्ञापनों पर असर। विज्ञापन से विवाद से बचने के लिए कम कंपनियां दीपिका को कर रही हैं अप्रोच। विवाद से बच रहे हैं ज्यादातर ब्रांड्स। बजट में सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को हो सकता है दूसरे दौर की पूंजी का ऐलान। पिछले महीने सरकार ने नेशनल ओरिएंटल और यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस को जारी की थी 2,500 करोड़ रुपए की पूंजी। फिजिकल स्टोर की जगह भारत में ई कॉमर्स पर ज्यादा ध्यान देगी वॉलमार्ट। रियल एस्टेट के अधिकारियों समेत 100 से ज्यादा लोग हटाए गए। विश्व सबसे बड़े अधिग्रहण में 2018 में फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीदा है। इराक में अमेरिकी बेस पर फिर हमला। अल बलाद एयरबेस पर 8 रॉकेट दागे गए। 4 इराकी सैनिक घायल। अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया के कंगारू द्वीप पर सफाई का काम जारी है। आग से मरे कंगारुओं और दूसरे जानवरों के शव को ट्रकों पर लादकर हटाने का काम जारी है। लैंडफिल में डाले जा रहे हैं मरे हुए जानवर। ब्राजील के रियो डे जेनेरो में कार्निवल। डांस करते और गाना गाते हुए सड़कों पर दिखे लोग। असल कार्निवल 21 फरवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। जानवी कपूर ने पापा बोनी कपूर और चाचा अनिल कपूर की पुरानी तस्वीर शेयर की। 1980 में रिलीज हम 5 के बोनी कपूर के प्रोड्यूसर अनिल के अभिनेता इमोजी में बनाया हार्ट। अलग अलग तरह के रोल करने वाले राजकुमार राव ने ठुकराई नाथुराम गोडसे के किरदार वाली फिल्म। नेगेटिव रोल से बचना चाहते हैं। अमिताभ बच्चन ने खोला यादों का पिटारा। शेयर किया पिता के नाम वाला इमोशनल वीडियो। वीडियो में अमिताभ के साथ उनकी पत्नी जया बच्चन, मां तेजी बच्चन और पिता हरिवंश राय बच्चन भी नजर आ रहे हैं। अजय देवगन की तानाजी महाराष्ट्र में हो सकती है टैक्स फ्री। राजस्व मंत्री से की गई मांग। 2 ही दिनों में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर किया है जबरदस्त कलेक्शन। नोरा फतेही का हाई गर्मी सॉन्ग बेहद पॉपुलर हो गया है। सॉन्ग को अब तक 7,90,00,000 बार देखा जा चुका है। सुपर हीरो नागराज के कारनामों को बड़े पर्दे पर दिखाने की तैयारी। रणवीर सिंह निभा सकते हैं रोल और करण जौहर करेंगे फिल्म का निर्माण। पहले हफ्ते रजनीकांत की दरबार फिल्म की कलेक्शन 150 करोड़ के पार। कई देशों में कलेक्शन में टॉप पर है दरबार। छपाक और तानाजी के तन्हाजी के साथ भी है रिलीज। सामने आया वरुण धवन का चड्ढी में पोस्टर। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म मिस्टर लेले अगले साल जनवरी में होगी रिलीज। और इसी के साथ 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।